नमस्कार, मैं हूँ यास्मीन। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से ही सलमान खान भी नेपोटिज्म को लेकर निशाने पर हैं। दबंग के डायरेक्टर अभिनव कश्यप ने सलमान खान और उनके परिवार पर धमकी देने का आरोप लगाया। वहीं अभिनव के बाद एक्ट्रेस पायल रोहतगी भी सलमान खान पर लगातार निशाना साध रही। पायल लंबे समय से फिल्मों से दूर हैं, लेकिन अपने ट्वीट्स और वीडियोस से सुर्खियों में रहती हैं। कुछ दिनों पहले ही पायल ने सलमान और उनके जीजा आयुष शर्मा को खरी खोटी सुनाई थी। पायल रोहतगी ने सलमान को खरी खोटी सुनाते हुए कहा था कि सलमान खान आप जिसे चाहें लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन आप दादागिरी नहीं कर सकते, पूरा बॉलीवुड आपकी जायदाद नहीं है। वहीं अब एक बार फिर पायल ने सलमान को निशाने पर ले लिया है। दरअसल हाल ही में सलमान ने बॉलीवुड एक्ट्रेस सुष्मिता सेन की वेब सीरीज को प्रमोट किया। इसी को लेकर अब पायल ने सलमान को कहा कि सलमान खान जी, आप सच में बीइंग ह्यूमन हो तो बोलो ना सुशांत सिंह राजपूत की सीबीआई इंक्वायरी के लिए, क्योंकि आपके फैंस को भी जानना होगा कि आप सुशांत की मौत से नहीं जुड़े हो। सुनिए जरा पायल का ये वीडियो। नमस्ते, मैं हूँ पायल रोहतगी। जी हाँ, ये मेरा वीडियो है सलमान खान जी से। सलमान खान जी, अगर आप टाइम निकाल के सुष्मिता सेन की वेब सीरीज को प्रमोट कर सकते हैं, तो आप टाइम निकाल के अपने फैंस को और भारत की सरकार को ये भी कह सकते हैं कि वो सीबीआई इंक्वायरी की हमारी मांग पूरी करें ओवर द डेथ ऑफ सुशांत सिंह राजपूत, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू ऑल्सो गेट यू नो एक्विटल फ्रॉम द माइंड्स ऑफ द पीपल हु आर ऑब्वियसली टॉकिंग अबाउट यू, बिकॉज देर आर कैंप्स इन बॉलीवुड एंड you are a superstar and your camp obviously hires people as per your whims and fancies. So Salman Khan ji, agar aap sach mein achhe insaan hai, being human charity, aap charity ke liye chalate hai, then aapko bhi CBI inquiry ke liye tweet karna chahiye aur video banana chahiye for Sushant Singh Rajput. Namaste. तो देखा आपने, पायल ने सलमान से कहा है कि जब सुष्मिता के लिए ट्वीट कर सकते हैं तो आपको ट्वीट कर सुशांत की सीबीआई इंक्वायरी के लिए भी मांग करनी चाहिए। बता दें कि सलमान खान कई दिनों से सुशांत को लेकर सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे हैं। कई लोगों का मानना है कि सुशांत के साथ जो कुछ भी हुआ उसके पीछे सलमान का हाथ है। यही वजह है कि कई लोगों ने सलमान की फिल्मों को बॉयकॉट तक करने का फैसला किया है।